हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं एलिट्रा ओएस के बारे में। रेबी नोट 7 एस लैवेंडर के लिए एलिट्रा ओएस का जो अनऑफिशियल एंड्रॉयड 12 का जो बिल्ड है यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के ऊपर हम एलिट्रा ओएस का जो रॉम रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले देख पाओगे ये जो बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 12 के साथ। एंड सेटिंग्स मेनू जो है काफी ज्यादा सिमिलर सेटिंग्स मेनू देखने को मिलता है सभी एंड्रॉयड 12 रॉम के ऊपर। कुछ इस तरह से जो है आपको यहाँ पर सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर एंड्रॉयड 12 है एंड यहाँ पर एलिट्रा का जो ओएस है वो भी देख पाओगे अनऑफिशियल बिल्ड है। 5th ऑफ दिसंबर 2021 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर 4.4 PDated Stormbreaker kernel को यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपको यहाँ पर कर्नल का जो वर्जन है 4.4 एंड PDated Stormbreaker kernel देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया है। एंड ये जो बिल्ड है उसको इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। तो आपको यहाँ पर AC Linux के ऊपर जो है इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देखने को मिलेगा रेवी नोट 7 के लिए जो कि काफी सही है। नाउ यहाँ पर जो नाइट लाइट का फीचर है उसे फिक्स किया गया है। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट आपका पास हो जाएगा। गूगल पे, फोनपे इस तरह के जो एप्लीकेशन होगी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर काम करेगा। उसके लिए आपको अलग से रूट और मैजिस्क्रिप्शन नहीं करना होगा। बाय डिफॉल्ट आपका जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो जाएगा जो कि काफी बढ़िया बात है। नोटिफिकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर कॉन्वर्सेशन एंड जो बबल्स का ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है। एनहांस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर बात करूँ तो काफी बढ़िया है। लगभग आपको यहाँ पर 5 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप गेम्स खेलोगे लगभग आपको यहाँ पर 3.5 आवर के आसपास जो है आपको गेम्स के दौरान स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो है एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलेगा एंड थर्मल प्रोफाइल के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस रॉम के साथ। तो ये जो थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है काफी बढ़िया है, इसे भी ऐड किया गया है। एंड बैटरी बैकअप जो है काफी बढ़िया है अनऑफिशियल रॉम के हिसाब से। 5 आवर का जो बैटरी बैकअप है, 5 आवर का जो स्क्रीन ऑन टाइम है काफी सही है, नो इश्यू एट ऑल। डिपेंड करेगा आपके यूजर्स के दौरान आप किस तरह से कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम है उसे आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है जो कि काफी बढ़िया बात है। सिम 1 एंड सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को आप सेट नहीं कर पाओगे। लाइव कैप्शन का जो फीचर है इसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर। ये सभी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइव कैप्शन के ऊपर। एंड यहाँ पर जो रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न इसे भी ऐड किया गया है जो कि नॉर्मली हमें ऑक्सीजन इसके ऊपर देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट का साउंड है उसे आप बंद कर सकते हो। टच वाइब्रेशन, टच साउंड को बंद कर पाओगे। जो MI का साउंड एनालाइजर है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सिम 1 और सिम 2 के लिए अलग अलग जो रिंगटोन है उसे आप सेट नहीं कर पाओगे। डिस्प्ले के ऊपर आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन है। जो टेक्स्ट है लॉक स्क्रीन के ऊपर उसे आप ऐड कर पाओगे। यहाँ पर जो नाउ प्लेइंग का फीचर है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाके डबल टैप करोगे आपका जो फोन है उसको यहाँ पर स्लीप मोड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप ऑन जो लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है। मोनेंट कस्टमेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। बाकी ऑटो रोटेशन के ऊपर जो है फेस को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर टैप टू वेकअप का फीचर्स भी ऐड किया गया है। डिस्प्ले कस्टमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो बैटरी स्टाइल है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बैटरी स्टाइल है वो भी आपको यहाँ पर देने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूजफुल जो कस्टमेशन फीचर्स है यहाँ पर ऐड किया गया है इस रॉम के साथ। बैटरी एस्टिमेट का ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। प्लस जो क्लॉक सेटिंग्स के ऊपर आपका AM PM इसे भी ऐड किया गया है। एंड जो डेट स्टाइल है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। सर्च बार के ऊपर कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो आप यहाँ से दिखा सकते हो। 4G आइकन को आप दिखा सकते हो। एंड ये सभी जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डिस्प्ले कस्टमेशन के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के बारे में, साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है। एक्स्ट्रा डीम, डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर जो ऑडियो एडजस्टमेंट है ये भी देखने को मिलेगा। मेक श्योर बैकअप योर इंपोर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करना होगा। देखते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैसा है। तो सिंपली देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है। यहाँ पर जो रैपिड एनिमेशन से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत ही फास्ट हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम करते हैं बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देने को मिलता है। देखिए पड़ो बहुत ही फास्ट हमारा जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है, ऐप लॉकर भी अवेलेबल नहीं है कोई भी एंड्रॉयड 12 कस्टम रॉम के साथ। यहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का जो ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड के ऊपर ये सभी जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। प्राइवेसी के ऊपर भी हमें यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 12 के साथ जो कि काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लाइव ट्रांसलेट का फीचर से इसे ऐड किया गया है काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है ये आपको देखने को मिलेगा इस रॉम के साथ। गेस्चर्स की अगर बात करें क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। सिंपली इस ऑप्शन को यूज करके अगर आप
पावर बटन को दोबारा प्रेस करके आपके फोन के ऊपर जो कैमरा एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। तो अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, ये जो क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है, इसे ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको टू बटन नेविगेशन, थ्री बटन नेविगेशन का ऑप्शन है एंड गेस्चर्स नेविगेशन के ऊपर जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो फुल स्क्रीन गेस्चर्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस 100 मोड को ऐड किया गया है। 100 मोड के ऊपर कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आप स्वाइप डाउन करके 100 मोड को यूज कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल गूगल असिस्टेंट, इसे भी ऐड किया गया है। एज वेल यहाँ पर आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक काफी बढ़िया एंड यूजफुल ऑप्शन को ऐड किया गया है, सिंपली आपके फोन के ऊपर जो है टॉर्च लाइट को एनेबल करने के लिए जो ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस टू एनेबल पावर बटन से जो है टॉर्च को हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर फोन के स्क्रीन को बंद करके जो है पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली फोन के ऊपर जो है टॉर्च लाइट एनेबल हो जाएगा। ये जो फीचर से काफी ज्यादा यूजफुल है, इसके साथ आपके फोन के ऊपर जो है फ्लैश लाइट है और जो टॉर्च है उसे आप एनेबल कर पाओगे। यहाँ पर जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर जो है पावर मेनू से आप रिकवरी एंड बूटलॉडर के ऊपर बूट कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है, प्लस टैप टू स्लिप का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप यहाँ पर सर्च बार के ऊपर डबल टैप करोगे आपके फोन के ऊपर जो है ऑटोमेटिक आपका जो फोन है उसको यहाँ पर स्लिप मोड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर टैप टू स्लिप ऑन द सर्च बार का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको प्लेबैक कंट्रोल का जो फीचर है ये भी देखने को मिलेगा इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। अगर आपके वॉल्यूम कीज को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो गाना है उसको स्किप होगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वेकअप का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आपके फोन के ऊपर जो वॉल्यूम कीज है इसे अगर आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है उसको वेकअप हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है, इसे भी ऐड किया गया है। बाकी कोई भी यहाँ पर जो है शामी पार्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर थर्मल वफर का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एमआई का जो साउंड एनर्जर है देखने को नहीं मिलता है। यानी इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, काफी स्टेबल रॉम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको जो यूजफुल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है उसे ऐड किया गया है। आपको ढेर सारे जो कस्टमाइजेशन फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो यूजफुल कस्टमाइजेशन फीचर्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस रॉम के साथ। यहाँ पर वाईफाई काम करते हैं, ब्लूटूथ काम करते हैं, हॉटस्पॉट काम करते हैं, यहाँ पर फ्लैश लाइट भी काम करते हैं। देखिए बड़े यहाँ पर हॉटस्पॉट एंड जो वाईफाई दोनों को आप एक साथ यूज कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया बात है, देखिए पड़ो। एंड यहाँ पर जो डार्ट थीम है ये भी काम करता है, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है ये भी काम करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड बाय डिफॉल्ट आपको ये जो थीम है लाइट थीम के साथ ही देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही है। एंड इसका जो यूआई है वो भी देख पाओगे, काफी सिमिलर आपको यहाँ पर यूआई देखने को मिलता है। डिफॉल्ट आपको कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 देखने को मिलेगा, जो गूगल कैमरा रहेगा, जो जी कैम रहेगा इस रॉम के साथ बड़ी तरीके से काम कर जाएगा। कैमरा गो की अगर बात करें देख सकते हो यहाँ पर कैमरा गो एप्लीकेशन जो है ये भी काम करते हैं, तो कैमरा गो काम करता है, जीकैम काम करेगा, गूगल कैमरा गो भी काम कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नाउ यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर रन किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 3DMark का जो टेस्ट है हमने कई दफा लगातार जो है करने की कोशिश की, बट ये जो टेस्ट है यहाँ पर रन नहीं हो पाया। हमने बहुत दफा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया, बट यहाँ पर ये जो टेस्ट है यहाँ पर हमें देने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 3DMark का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर Geekbench 5 के बारे में, देख सकते हो 330 का जो स्कोर देने को मिला है सिंगल कोर के साथ। मल्टी कोर का जो स्कोर है 1386 का है। तो यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है Geekbench 5.4.4 के साथ एंड 12 के साथ। एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों के ऊपर जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है, जो कि काफी सही है। सेफ्टी नेट की अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रूट विदाउट मैजिक जो सेफ्टी नेट है यहाँ पर पास हो गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया था जो सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पास हो जाएगा। गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी बाय डिफॉल्ट इस रॉम के साथ काम करेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें सीपू 13 टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो सीपू 13 टेस्ट हमने रन किया था मैक्स गया है 144, एवरेज है 138, मीडियम है 130। यहाँ पर 94% का सीपू थर्मल देखने को मिला है, मैक्स सीपू गया है 2.20 जिगार्स तक। नॉर्मली जो रेवी नोट 7 है तो 140 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिलेगा काफी बढ़िया है। डेफिनेटली आपको ये जो रॉम है काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा एंड्रॉइड 12 के साथ। स्क्रीन का स्टम्प करते हैं एंड वीडियो कॉल के दौरान जो है माइक भी कम कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा आपके रेवी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो किया हुआ, आप रेवी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, या वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है किस तरह से रेवी नोट 7 के ऊपर इस रॉम को इंस्टॉल करते हैं। TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान आपका जो डेटा है डिलीट हो सकता है, तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। उसके बाद आपको जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करना होगा, इसके लिए आप सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखिएगा 5-6 सेकंड, उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। कस्टम रिकवरी के अंदर बूट होने के बाद आपको सिंपली वाइप में जाके
नॉर्मल जो है डेल्वी कैशे सिस्टम डेटा ये सभी को जो है वाइप करना होगा। अगर आप फॉर्मल डाटा करके आपके फोन के ऊपर इस रोम को फ्लैश करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मल डाटा करने से पहले बैकअप जरूर से क्रिएट करना। फॉर्मल डाटा करने से आपके फोन के ऊपर जो इंटरनल स्टोरेज है उसको डिलीट हो जाएगा, तो मेक श्योर बैकअप इज इंपॉर्टेंट डेटा। तो फॉर्मल डाटा होने के बाद आपको रोम को इंस्टॉल करना होगा, तो सिंपली इंस्टॉल में आके रोम को सेलेक्ट करके फ्लैश कर दीजिएगा। अगर आपको रूट की जरूरत है तो आपको अलग से जो है रोम को सेटअप करने के बाद फिर से टीओ रिकवरी और कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद जो है मैजिस को फ्लैश करना होगा। पहला जो बूट होगा उसमें जो है मैजिस को फ्लैश मत करना। एंड ये जो रोम है इस रोम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रोम को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। काफी स्मूथ रोम है, काफी बढ़िया है एंड इसका जो बैटरी बैकअप है इस रोम का काफी बढ़िया है। बाय डिफॉल्ट आपको ये जो कैमरा एप्लीकेशन देख पाओगे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, जो कैमरा एप्लीकेशन से काम करता है काफी ज्यादा बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन से। अगर आप चाहो तो जीकेम की यूज कर सकते हो, गूगल कैमरा भी यहाँ पर काम करते हैं इस रोम के साथ जो काफी बढ़िया बात है। जो गूगल कैमरा 8.4 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी काम करते हैं इस रोम के साथ जो की काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो यूजफुल ऑप्शन है उसे ऐड किया है, देखिए आपको यहाँ पर जो है ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, बट जो यूजफुल कस्टमाइजेशन फीचर से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो काफी बढ़िया बात है। बट एमआई का जो साउंड एनहांसर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर एमआई का साउंड एनहांसर ऐड किया जाता तो बढ़िया होता, होपफुली नेक्स्ट बिल्ड के ऊपर एमआई का जो साउंड एनहांसर है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोलना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं। ऐप टू एक ऐप का फीचर से प्लस डिस्प्ले कस्टमाइजेशन ये भी काम करता है। एंड यहाँ पर मॉडर्न कस्टमाइजेशन फीचर्स जो है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि काफी सही है। तो यहाँ पर जो है प्राइवेसी इंडिकेटर को ऐड किया गया है, आपका कैमरा माइक्रोफोन एंड लोकेशन का जो प्राइवेसी इंडिकेटर है ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं, काफी फास्ट है। एंड यहाँ पर आपको जो है साउंड के ऊपर जो एमआई का साउंड एनहांसर देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है, आपको लगभग 5 आवर के आसपास जो है यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। थर्मल पावर का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है जो काफी बढ़िया है। बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है आपके ऊपर बैटरी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, आपको डिस्प्ले के ऊपर जाके जो है बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना होगा। ओवरऑल ये जो रॉम है काफी बढ़िया रॉम है, डेफिनेटली इस सबको ट्राई करके देखिएगा आपके फोन के ऊपर। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोलना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको और कोई दूसरा कस्टमर को ट्राई करना है अपने रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो किया हूँ, आप जो रेडमी नोट 7 का प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।